गाजियाबाद हत्याकांड मामले में पुलिस ने आरोपी अयूब को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है। क्राइम वाली फिल्मों का एक पुराना और फेमस डायलॉग है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, अपने पीछे कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। ठीक यही हुआ है गाजियाबाद के लोनी में हुए मर्डर मामले में। पुलिस ने अपराधी की पहचान कर ली है, वो भी उसके शर्ट के बटन से। आरोपी अयूब की शर्ट की बटन मौके पर गिर गई थी, उसी बटन के जरिए पुलिस अयूब तक पहुंची। पूरी कहानी यह है कि गाजियाबाद में अपने ही भतीजे ने अपने चाचा चाची और दो भाइयों का कत्ल कर दिया। गोली मारकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, गोली मारने के बाद हत्यारा अस्पताल भी ले गया। आर्थिक हालत खराब होने की वजह से वो पैसे मांगने के लिए उनके घर गया था, उसी दौरान बहस हो गई और आरोपी ने एक ही परिवार के 4 लोगों को गोली मार दी। रविवार की रात कपड़ा व्यापारी रईसुद्दीन के घर करीब 2:30 बजे फायरिंग की आवाज आई थी। लोग जगे, गहराई रात में गोली की आवाज से अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग घर में आए तो 3 लाशें पड़ी थी। महिला की सांस अभी चल रही थी लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। पुलिस जांच में जुटी थी। पुलिस के मुताबिक करीब 14 से 15 राउंड फायरिंग हुई थी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।